तो यार हेलो दोस्तों, अब यहाँ देखो आज 3 तारीख और आज हमारे गेम के अंदर एक और कमाल का इवेंट आ चुका है जो कि है वैलेंटाइन डे इवेंट। आप लोग पता होगा कि वैलेंटाइन डे बहुत जल्दी आने वाला है जो कि है 14 फरवरी को, और इससे रिलेटेड एक इवेंट गेम के अंदर आ चुका है और इसके अंदर काफी बढ़िया रिवार्ड्स हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को उस इवेंट के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखना, वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो आज इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार देखो, मैं आप लोग डायरेक्ट ले चलता हूँ इवेंट सेक्शन पे। तो यार जैसे आप लोग इवेंट सेक्शन पे आओगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को 3 इवेंट देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहला जो इवेंट है यहाँ पे मैं आप लोग दिखाता हूँ, तो आप लोग सिंपल से यहाँ पे शो सम लव, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक इवेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इस इवेंट का सबसे पहले आप लोग टाइम पीरियड देख लो, तो आज से स्टार्ट हुआ है और चलेगा 22 तारीख तक, यानी कि 22 फरवरी तक, ठीक है। इसमें करना क्या है, आप लोगों को सेंड अ पॉपुलरिटी गिफ्ट वंस टू फ्रेंड्स एवरी डे, यानी कि आप लोगों को अपने फ्रेंड को पॉपुलरिटी एक बार भेजनी है, ठीक है। और एक बार आप जैसे पॉपुलरिटी भेज दोगे तो आप लोगों को जो मिशन है इजिली पूरा हो जाएगा। तो यार मैं आप लोगों को ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे मेरे कोई फ्रेंड है, जैसे मान लेते हैं कोई भी फ्रेंड हो, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये मेरा फ्रेंड, ठीक है। अब इसको मैं फ्री वाली पॉपुलरिटी भेज देता हूँ सिंपल सा। अब आप लोग फ्री वाली भेज देना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग बहुत ज्यादा महंगी वाली भेजना है तभी जाके पूरा होगा। अब देखो जैसे मैंने ये भेजा ना, तो आप लोग देखो यहाँ पे कलेक्ट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। आप लोग सिंपल सा ऐसे एक बार पॉपुलरिटी भेजना है अपने किसी भी फ्रेंड को, और आप लोग जो ये पॉपुलरिटी भेज दोगे फिर आपका जो मिशन है इजिली पूरा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा सेकेंड जो इवेंट है ये रिवाइव एंड लव करके, ठीक है। अब ये वाला जो इवेंट है आप लोगों को यहाँ पे एक टाइम के लिए मिला है, जैसे कि आप लोगों को जो इवेंट है, अब ये वाला मिशन आप लोग एक बार कर दोगे तो दोबारा आप लोगों को करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये जो इवेंट है टाइम पीरियड मैं आप लोग बता देता हूँ, तो ये आज से स्टार्ट हुआ है और चलेगा 12 तारीख तक। अब हो सकता है कि जो 12 तारीख हो जाए, जैसे आप लोग ये वाला जो मिशन है पूरे कर लो, उसके बाद फिर से एक बार और ऐसा एक और इवेंट लाया जाए और आप लोगों को दोबारा से ये वाले मिशन जो है लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को और ज्यादा इससे क्वाइने जो है मिल जाएंगे। अब इनको कहते क्या है, वैलेंट चॉकलेट। अच्छा, ये जो वैलेंटाइन डे चॉकलेट है ये आप लोगों को और ज्यादा मिल सकती है, ठीक है। यार देखो, अब मैं आप लोग बताता हूँ कि आप लोग इसके मिशन कैसे पूरे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला मिशन है रिवाइव अ पार्टी मेंबर 10 टाइम्स इन क्लासिक मोड। अब यहाँ पे पार्टी मेंबर लिखा हुआ है, तो आप लोग ये मत सोच लेना कि पार्टी मेंबर कहाँ से हम लोग लाएंगे, आपका टीममेट ही पार्टी मेंबर है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है रिवाइव एंड लव, यानी कि आप लोग अपने टीममेट को रिवाइव करो और उसको प्यार दिखाओ अपना, ठीक है। तो सिंपल आप लोग उसको रिवाइव करना है 10 बार। जैसे रिवाइव करोगे आप लोगों को यहाँ पे 10 वैलेंटाइन चॉकलेट मिल जाएगी। उसके बाद रिवाइव पार्टी मेंबर 20 टाइम्स है, तो आप लोगों को 20 बार रिवाइव देना है, तो आप लोगों को यहाँ पे 20 बार चॉकलेट मतलब 20 चॉकलेट मिल जाएंगी। उसके बाद 30 बार करना है तो 30 चॉकलेट यहाँ पे मिल जाएंगे, टोटल आप लोगों को यहाँ पे 60 चॉकलेट मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा ये तो हो गया, हम लोग मिशन कैसे करेंगे। अब मैं आप लोग बताता हूँ कि इससे आप लोगों को मिलेगा क्या क्या, ठीक है। तो आप लोग सिंपल से हैप्पी वैलेंटाइन डे इवेंट में आओगे तो यहाँ पे आप लोग रिडीम सेंटर दिया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों को ये बैकपैक मिलने वाला है, परमानेंट है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये छड़ी मिलने वाली है, परमानेंट है। और जो हमारा थर्ड रिवॉर्ड है ना वो काफी ज्यादा कमाल का है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आप लोग बताता हूं। यहाँ पे आप लोग 50 RP पॉइंट मिलने वाले हैं, और ये जो 50 RP पॉइंट है ना आप लोग एक बार नहीं 5 बार ले सकते हो, यानी कि आप लोग 250 पॉइंट मिल सकते हैं, यानी कि आप लोग टोटल 2500 RP बढ़ा सकते हो सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स को लेकर के। तो यहाँ पे आप लोगों को 10 यहाँ पे चॉकलेट लगानी है और उससे आप लोगों को मिल जाएंगे 50 पॉइंट, यानी कि आप लोगों को 50 वैलेंटाइन डे चॉकलेट लगा करके 250 पॉइंट मिल सकते हैं। और जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम हो अपनी आरपी को इंक्रीज करने में, तो उनको यहाँ पे फायदा हो जाएगा, वो लोग इसलिए जो है आरपी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आप लोग देखो तो यहाँ पे आप लोगों को क्लासिक रेट के स्क्रैम मिल रहे हैं, उसके बाद सप्लाई रेट के स्क्रैम मिल रहे हैं, और एजी करेंसी भी मिल रही है, ठीक है। तो ये पूरी पूरी रिवॉर्ड्स है, तो रिवॉर्ड्स उतने ज्यादा बुरे नहीं है। हालांकि जो ऊपर वाले रिवॉर्ड्स जो कि हम लोग परमानेंट मिल रहे हैं, जैसे कि ये बैकपैक और ये छड़ी होगी, तो ये रिडीम के अंदर भी दी गई है छड़ी, और हम लोग वहां से भी खरीद सकते हैं, मैंने पहले से भी खरीद रखी है। आप लोग पास ये छड़ी और ये बैकपैक पहले से था या फिर नहीं, ये चीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। तो यार यही था आज की इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल भी कर लो। और आप लोग पता होगा कि एक वेब एक्सचेंज करके एक इवेंट आया है गेम के अंदर, तो अगर आप लोगों को उस इवेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो वीडियो आप लोग स्क्रीन के सामने है, जल्दी से क्लिक करो और उस इवेंट के बारे में पूरी पूरी डिटेल मैंने उस वीडियो में दे दी है, तो जरूर से देख लेना। हम लोग मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो पे।